भारतीयों, आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के वनों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। भारत के वनों को मुख्यतः छह भागों में वर्गीकृत किया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन, ज्वारीय वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन भारत के उन अत्यधिक आर्द्र एवं उष्ण आर्द्र भागों में मिलते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक तथा औसत तापमान 240 के आसपास रहता है। उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा एवं अपेक्षाकृत अल्पकालीन शुष्क ऋतु के कारण ये वन अत्यधिक सघन और ऊंचे होते हैं। ऐसे पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक होती है। विभिन्न जाति के वृक्षों के पत्तों के गिरने का समय भिन्न होता है जिसके कारण संपूर्ण वन हमेशा हरा भरा रहता है। इन वनों में अनेक जाति के वृक्ष पाए जाते हैं। यद्यपि इनकी तुलना विषुवतीय प्रदेश की वनस्पति से की जाती है, लेकिन यह पूर्णतः विषुवतीय नहीं है क्योंकि इनके अक्षांश से विस्तार अलग होने के साथ साथ यहाँ सामान्य वर्षा का भी अभाव है। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्षों में रबड़, महोगनी, एबोनी, नारियल, बांस, बैत, आइसवुड प्रमुख हैं। ये वन मुख्यतः चार क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट तथा हिमालय का तराई क्षेत्र। इन वनों का क्षेत्रफल 46 लाख हेक्टेयर है। अत्यधिक सघन वन होने से एवं लकड़ी के अत्यधिक सख्त होने के कारण ये वन आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं है। फिर भी हाल के वर्षों में यह वाणिज्यिक महत्व के पेड़ लगाए जाने पर काफ़ी बल दिया जा रहा है, जिनमें रबड़, तेल, ताड़, महोगनी, एबोनी आदि प्रमुख हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इसे उष्ण मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन देश के उन सभी भागों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इनके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री या पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, प्रायद्वीपीय उत्तरी पूर्वी पठार, उत्तर में शिवालिक श्रेणी के सारे भाबर उतराई में विस्तृत है। ये विशिष्ट मानसूनी वन है। कोपेन महोदय ने इसे सवाना वन कहा है। ये वन ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, इसलिए इसे पतझड़ वन भी कहते हैं। इस वन के पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः 30 से 45 मीटर होती है। सागवान एवं उत्तरी क्षेत्र में पाए जाने वाले सकुआ इसके प्रमुख एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पेड़ हैं। इनका सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त बांस, चंदन, शीशम, आम, महुआ, त्रिफला और कत्था भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पेड़ हैं। बांस और सवई घास का उपयोग कागज उद्योग में होता है। तेंदुए के पत्ते का उपयोग बीड़ी उद्योग में होता है। इस वन के प्रत्यक्ष लाभ भी हैं, जैसे सैतूत के वृक्ष पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम कीड़े का सर्वाधिक पालन कर्नाटक में होता है। इसके अलावा तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भी इसके कीड़े पाले जाते हैं। पलाश, बबूल, पीपल के पेड़ों पर लाख के कीड़े पाले जाते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लाख उत्पादक देश है। चंदन के पेड़ कर्नाटक में होते हैं। इन्हीं सब कारणों से भारत के इस वन को आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें उत्तर प्रदेश के अधिकतर भाग, पश्चिमी बिहार, उत्तरी तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकतर भाग, उत्तरी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के मध्यवर्ती उत्तरी दक्षिणी संकीर्ण पेटी और तमिलनाडु के पूरी भाग सम्मिलित हैं। वर्षा की कमी और जलवायु की विषमता के कारण इनमें ऊंचे पेड़ों का अभाव है। शुष्क सीमांत पर ये पर्णपाती वन कटीले वनों और झाड़ियों में बदल जाते हैं। अत्यधिक चराई के कारण ये वन क्षेत्र चुनौती भरी समस्या उत्पन्न करते हैं। कटीले वन, ये वन गुजरात से लेकर राजस्थान और पंजाब के उन भागों में मिलते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। पठार के मध्य भाग में भी जहाँ लंबी शुष्क ग्रीष्म ऋतु मिलती है, ये वन पाए जाते हैं। बबूल, खैर, खजूरी, खेजड़ी इन वनों के प्रमुख उपयोगी वृक्ष हैं। अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में नागफनी और कैक्टस प्रजातियों की अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति जीरोफाइट्स पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, भौगोलिक दृष्टि से इन्हें उत्तरीय हिमालय वन तथा दक्षिणीय प्रायद्वीपीय वनों में बांटा जा सकता है। उत्तरीय हिमालय वन, इन वन प्रदेशों में ऊंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्षेत्र में ऊंचाई के क्रम के अनुसार उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पति प्रदेशों तक का अनुक्रम पाया जाता है। ये विभिन्न पेटियों में वर्गीकृत हैं एवं ये सभी पेटियाँ केवल 6 किलोमीटर की ऊँचाई में समाई हुई हैं। हिमालय की गिरिपाद, शिवालिक की श्रेणियाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों से आच्छादित हैं। साल यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। बांस भी यहाँ खूब होता है। 100 से लेकर 200 मीटर तक की ऊंचाई पर आदि पर्वतीय वन पाए जाते हैं। सदा हरित चौड़ी पत्ती वाले
ओक, चेस्टनट तथा सेब के वृक्ष यहाँ सामान्य रूप से मिलते हैं। इसी ऊंचाई पर उत्तरी पूर्वी भागों में उपोष्णकटिबंधीय चीड़ के वन पाए जाते हैं। 1600 से 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच शीतोष्णकटिबंधीय प्रसिद्ध शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इनमें चीड़, सिल्वर, सिल्चर, फर और स्प्रूस वृक्ष पाए जाते हैं। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनों तथा चरागाह भूमियों का संक्रमण पाया जाता है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष सिल्वर, फर, चीड़, बर्च तथा जेनिफर हैं। दक्षिणी या प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन यहाँ मुख्यतः घास के मैदान मिलते हैं, जिनके बीच अविकसित वर्षा वन या झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति मुख्यतः नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, महाबलेश्वर, सह्याद्री के उच्च भागदता, सतपुड़ा आदि में मिलती है। ज्वारीय वन, इन्हें मैंग्रोव दलदली अथवा डेल्टाई वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन उष्णकटिबंध के ज्वारीय दलदलों, तटीय लैगून, डेल्टा एवं पश्चिम जल झीलों के समीप मिलता है। ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी तथा कृष्णा गोदावरी आदि के डेल्टाओं में उगते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष इन वनों का प्रमुख वृक्ष है। इसी वृक्ष के नाम पर गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के वन को सुंदरवन कहा जाता है। सुंदरवन के अलावा ज्वारी वन के अंतर्गत तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाने वाले ताड़ के वन तथा पश्चिमी तटवर्ती मैदान में पाए जाने वाला नारियल का वन भी सम्मिलित है। नारियल के वन इनके अतिरिक्त ये ब्राह्मणी और भारतीय डेल्टा के बीच तथा कृष्णा तथा कावेरी डेल्टा के बीच भी सघन रूप से पाए जाते हैं। इनके अलावा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी ये वन पाए जाते हैं, इसलिए इन वनों को कच्छ या गरान वनस्पति भी कहते हैं। ज्वारीय अथवा मैंग्रोव का निम्नलिखित पर्यावरणीय महत्व है। यह समुद्रीय प्रदन से तटों की रक्षा करता है। इन वनों की लकड़ियों से नाव बनाई जाती है, क्योंकि यह जल में सड़ती नहीं है। इनका महत्व जल वानिकी, कृषि, जल कृषि, वन पारिस्थितिक तंत्र में है, क्योंकि इन दलदली क्षेत्र वनों में वन उत्पाद के साथ साथ मत्स्य तथा धान की खेती भी होती है। यह वायुमंडलीय तल को नियंत्रित करता है। ज्वारीय वन मैंग्रोव वनस्पतियों के संरक्षण के लिए देश में भारत सरकार की ओर से कई योजनाएं